हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आज सबको पता है, आज 1 मई है और 1 मई यानी आज आपके गुरु बृहस्पति आपके वृषभ राशि में आके यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं और 1 साल तक यहीं पर रहेंगे। तो हम थोड़ा सा इसका फ़ायदा बता रहे हैं आपको, इससे कौन कौन सा आपका भाव है जो जागृत होने जा रहा है। ठीक है, चलिए। वृषभ राशि में यानी आपके स्वयं में, आपके लग्नेश में इनका आने का मतलब क्या हो गया कि गुरु अब आपको जो देने आए हैं वो आपको लेना है। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन सा मंत्र है या कौन सा काम है जो आप गुरु का पूर्ण रूप से साथ ले सकते हैं। गुरु से हम धन को देखते हैं, ठीक है, शिक्षा को भी देखते हैं, वाणी को भी देखते हैं, संतान को भी देखते हैं और विवाह को भी देखते हैं, व्यापार को भी देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ है जो हम गुरु से देखते हैं, तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि गुरु का वृषभ राशि में यहाँ पर विराजमान होना और वो भी 1 साल तक होना, इससे आप कौन कौन सा फ़ायदा ले सकते हैं, वो सब चीज़ों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरु को 3 दृष्टि दी हैं, तो गुरु की जो पहली 5वीं दृष्टि पड़ रही है, गुरु की पहली दृष्टि आपकी पड़ रही है यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा भाव होता है, ये आपका संतान का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है और भाग्य का भाव होता है। यानी ये भाव हमारा जागृत होने जा रहा है, यहाँ पर हम पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, ये संतान का भाव है, गुरु कहीं ना कहीं संतान देने का कार्य करते हैं। तो इस वर्ष जिन लोगों को संतान नहीं मतलब प्राप्त हुई है, नहीं हो पाई है, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा कि वो कहीं ना कहीं संतान की पूर्ति कर सकते हैं। संतान की कहीं ना कहीं आपको प्राप्ति होगी और उसका आप आनंद लेंगे, ठीक है, चलिए। और भाग्य को चमकाने का काम करते हैं, बुद्धि के देवता स्वयं यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि जिसके स्वामी होते हैं बुध, और बुध इनके अपना मित्र भी हो गए। तो क्या हो गया, यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से जो सफलता मिलेगी भाग्य की और बुद्धि का, जब बुद्धि आपके अंदर आ जाएगी तो आप अंदाजा ला सकते हैं। एक तो ऊपर से गुरु, ऊपर से यहाँ बुद्धि का भी साथ मिल रहा है, बुध का भी साथ मिल रहा है, तो क्या होगा, आपकी बुद्धि तीव्र गति से काम करेगी। तीव्र गति से काम करने का मतलब क्या हुआ कि आप पूर्ण रूप से अपने मनोरथों की पूर्ति कर लेंगे। चलिए अगली दृष्टि देख लेते हैं। अगली दृष्टि पड़ रही है उनके आपके यहाँ पर, ये किसका भाव होता है, आपका अष्टम भाव यानी आपके पार्टनरशिप का या आपके स्पाउस का, पति का, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, ठीक है। और ये भाव आपका यात्राओं का भी होता है, ये भाव आपका व्यवसाय का भी होता है। तो क्या हुआ इसका मतलब, यहाँ पर इनकी सीधी दृष्टि पड़ने का मतलब हो गया कि सीधी दृष्टि यहाँ पर जो इनकी पड़ रही है, इसका आप क्या फ़ायदा लेंगे। हमने बताया आपको, गुरु कहीं व्यवसाय का भी काम करते हैं, रोजगार का भी काम देते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापार भी आपके गुरु आपको दे के जाएंगे। इस वर्ष आप देख लेना, जो 1 वर्ष के लिए आ रहे हैं, तो गुरु आपके सारे यहाँ मनोरथों की पूर्ति करेंगे, मनोरथों की पूर्ति करेंगे। मंगल राशि यहाँ पर विराजमान है, तो मंगल ही मंगल आपका होना है। तो आपके क्या होगा, इस समय आपको कहीं ना कहीं ये व्यापार दे जाएंगे, काम दे जाएंगे और आपके रिश्ते इतने मधुर कर जाएंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन भी मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वर्ष प्राप्त होनी है। लेकिन गुरु से जो प्राप्त करना है, तो गुरु से प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें गुरु के हिसाब से चलना है। तो गुरु का कौन सा मंत्र आपको करना है, ऐसा कौन सा काम जो गुरु का करना है, वो हम आपको भी एंड में बताएंगे कि क्या चीज़ है जिससे आप गुरु से अपना उन सब चीज़ों की अपनी पूर्ति कर सकें, ठीक है। अब तीसरी दृष्टि देख लेते हैं उनकी, जो आपकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि आपकी भाग्य पर पड़ रही है और यहाँ पर आपके धर्म पर पड़ रही है। तो यानी क्या होगा, यहाँ भी पूर्ण रूप से गुरु आपको साथ दे रहे हैं, पूरा अपना हाथ दे रहे हैं। तो जिस आदमी के ऊपर गुरु की आपको देखा होगा हाथ होता है, वो आदमी जीवन में तरक्की कर लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको धर्म कर्म पे नाम पर पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर भाग्य चमकाने का काम करेंगे, भाग्य आपका उन्नति का काम पूरा करेगा। तो ये आप समझ सकते हैं, ये भाव आपके लिए कितना पूर्ण रूप से आपके लिए अच्छा होने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ गुरु आपके 2 भावों को और जागृत करेंगे, क्योंकि स्वयं उनकी गुरु की अपनी राशि बैठी है, तो उन भावों पर भी आपको कहीं ना कहीं उनका आनंद मिलेगा। कौन सा भाव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ उनकी धनु राशि है। धनु राशि का मतलब हो गया कि धनु राशि आपकी विराजमान है। तो क्या हुआ, इस जिसके स्वामी स्वयं गुरु होते हैं, तो ये भाव भी आपका कहीं ना कहीं
चमकने का काम करेगा, भाग्य चमकाने का काम करेगा ये वाला भाव। ये भाव किसका होता है? ये भाव हमारा आयु का होता है, और हमारी कुछ जरूरतें ऐसी हैं जो हमारी अटक जाती है, जो हमारा तनाव होता है उस तनाव को पूरा काम करने का ये काम करेगा। जो आपका काम 99 पे अटका हुआ है, इस समय गुरु भगवान आए हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त कराएंगे। आप देख लेना, कहीं ना कहीं आपको सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त होगी और अच्छी होगी, ठीक है। और यहाँ अपना आपका कुछ जो आपके जो काम रुके हुए हैं उन्हें पूरा कराने का कार्य करेंगे गुरु भगवान, ठीक है। एक भाव और है जो उनका यहाँ पर भी जागृत होता है, ये आपकी उनकी मीन राशि होगी, जिसके स्वामी होते हैं आपके वो भी गुरु होते हैं, तो ये भाव भी आपका चमकने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ स्वयं की राशि हो गई, इनके भी स्वामी गुरु होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी आप जानते हैं लाभ इच्छाओं का और आय का ये भाव हो गया, तो यानी क्या होगा, यहाँ लाभ की आपको प्राप्ति होगी, लक्ष्मी का भी भाव है, आय का भी भाव है, और आपकी जितनी भी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति करने का कहीं ना कहीं ये भाव आपका काम करेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक ही उससे गुरु का आपको कितनी जगह फ़ायदा मिल रहा है। आपको यहाँ भी फायदा मिल रहा है, 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 आपको यहाँ भी फायदा मिल रहा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप गुरु का, आपका 5 जगह सीधा भाव मिल रहा है, सीधा फायदा मिल रहा है। इसके भाव का मतलब क्या हो गया, इसका आनंद ये आएगा आपके लिए, कहीं ना कहीं ये आपके सारे मनोरथों की पूर्ति कर देगा। अब उपाय के तौर पर आप समझें क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक तो गुरु का जो मंत्र है वो अपने हमने आपको अपनी वीडियो में बताया भी था, वो आपको करना ही है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम्स है गुरुवाय नमः का। और दूसरा काम आपको क्या करना है, केसर लेना है, केसर का तिलक डेली अपने माथे पर मस्तक पर लगाना है, कंठ पर लगाना है और जीवा पर लगाना है। जहाँ आपने देखा, आपने 1 महीना भी अगर जैसा आप करेंगे इसे करना, तो आपको रोज़ ही है, अगर रोज़ कर लेंगे तो रोज़ आपके काम आएगा, लेकिन आप जैसे ही देखेंगे आपको 4-5 दिन बाद ही इसके रिजल्ट मिलने तैयार शुरू हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि क्या चीज़ आपको प्राप्त हुई है, ठीक है। क्या करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवाय नमः का मंत्र का जाप करना है, इसकी माला कर सकते हैं 108 बार, तो बहुत अच्छी बात है, एक माला 108 दाने होते हैं वो कर लीजिए। और दूसरा काम जो हमने बताया आपको, केसर का तिलक अपना मस्तक पर लगाना है, जीवा पर लगाना है, कंठ पर लगाना है, ये 2-3 काम आपको करने हैं, ठीक है। बस इतना आप कार्य कर लीजिए और इनका पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं गुरु भगवान जो आए हैं इनका पूर्ण रूप से, क्योंकि आपकी राशि में विशेष इनका फायदा होगा, आप इसको देख लें, ठीक है। देखिए आपके कहीं ना कहीं मनोरथों की पूर्ति करेगा, ठीक है। बस इतना ही है, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें, धन्यवाद।